Okay, see. So we have done part 1, 1 to 6, right? In that you are having any doubt? No. Sure? Okay. So let's start from 7. See, clouded leopard. समझ लो पहले बाद में लिखना. Look at the picture number 7. This picture, clouded leopard. Right? It is very white and black color. It is very beautiful, like a cat. है ना, कैट की तरह दिख रहा है ना. हाँ, रियल है. उसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड. मुझे अगर कोई भी बातें करते हुए मिला तो वो मेरे हाथ से जाता है, लेकिन कहां पे पाया जाता है? नंबर एच देखो, एच दिखा सभी को, ढूंढो पेज नंबर 67. स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय. स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय. मेघालय में क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाता है. ठीक है, इंडिया में मेघालय में बहुत ज्यादा जंगल है, वहां पे इस क्लाउडेड लेपर्ड आप देख सकते हो. ठीक है, इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय. और इसका डिस्क्रिप्शन है 9 नंबर. सिंस 2008 इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट. तो ये क्या होता है, IUCN रेड लिस्ट क्या होता है, कौन बताएगा? जो एनिमल घट रहे हैं ना नंबर्स में, कम हो रहे है ना. अभी व्हाइट लायन दिखता है आप लोगों को? हाँ, क्योंकि वो खत्म हो गया है. राइट, बहुत कम है, एक दो है. पहले के जमाने में बहुत सारे व्हाइट लायंस होते थे. हाँ, तो उसी तरीके से क्लाउडेड लेपर्ड भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. राइट, तो हाँ, तो आपकी कहा है, जीके की टेक्स्ट बुक हो गया. IUCN रेड लिस्ट में ऐसे एनिमल्स के नाम लिखे जाते हैं. क्या है मैम? मैम व्हाइट टाइगर भी होता है. व्हाइट पिकॉक भी होता है. ठीक है, साइलेंस, कोई एक साथ नहीं बोलेगा. डोज यू वांट टू स्पीक, जस्ट रेज हैंड. व्हाट? ओके, सो दिस क्लाउडेड लेपर्ड्स और ऐसे एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनके नाम IUCN रेड लिस्ट में लिखे जाते हैं. Understood? Afterwards, sit down. Don't disturb class. Sit down. Sit down, I said. बैठे हो क्या आप? तो फिर बैठ जाओ बोला मैंने. बैठ जाओ. सुनाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को? कुछ तकलीफ है कान में? ओके, अंडरस्टूड? क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में समझ में आया थोड़ा? अब 8 वाला देखो. नो, एट वाले देखो. एट में 3 पिक्चर्स है. कितने पिक्चर्स है? 3.
येलोइश फ्लावर है, पिंकिश फ्लावर है ना, डार्क पिंक फ्लावर, तो इन सभी फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? ऑर्चिड्स. क्या बोलते हैं? ऑर्चिड्स. क्या बोलते हैं? ऑर्चिड्स. ऑर्चिड्स. जी वाला नंबर देखो. स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम एंड मिजोरम. चार स्टेट का फ्लावर है ऑर्चिड्स. कितने? फोर स्टेट. विच आर दीज फोर स्टेट? बोलो मेरे साथ. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, मिजोरम. ओके, तो इन चारों स्टेट का फ्लावर कौन सा है? ऑर्चिड्स. ओके, देन इसका डिस्क्रिप्शन है नंबर 7. लेडी स्लिपर ऑर्चिड, फॉक्स टेल ऑर्चिड, वॉर्न बाय बिहू डांसर एंड रेड वेंडा, द ओनली रेड ऑर्चिड इन इंडिया. ये जो आप नीचे वाला फोटो देख रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में ही उगता है और कहीं पे भी नहीं उग सकता ये. ठीक है, इट इज़ रेड ऑर्चिड. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. इसके गारमेंट्स बना के पहनते हैं, इसका यूज़ करते हैं मेडिसिन में. इट इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल. इन ऑर्चिड्स के अलग अलग नाम हैं, लेडी स्लिपर्स ऑर्चिड, फॉक्सटेल ऑर्चिड, बीहू डांसर्स पहनते हैं, रेड वेंडा. ठीक है, तो अलग अलग ऑर्चिड. आई विल सी योर बिहेवियर देन आई विल अलाउ. ओके, देन नंबर 9, रोडोडेंड्रॉन. क्या बोलेंगे इसे? रोडोडेंड्रॉन. ठीक है, रोडोडेंड्रॉन. रोडो नहीं, रोडो. रोडोडेंड्रॉन. रोडोडेंड्रॉन बहुत ही टिपिकल नाम का एक फ्लावर है. लुक एट द पिक्चर 9. बहुत ही ब्यूटीफुल है ये. और ये चलो उसको बुलाओ तो अंदर. लिसन ऑल ऑफ यू, तो वो आपका प्रॉब्लम है. जाओ सी. रोडोडेंड्रॉन इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. ठीक है, इसका हम के डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. ये स्टेट ट्री है सिक्किम और स्टेट फ्लावर है नागालैंड का. ठीक है, इट इज अ स्टेट ट्री ऑफ सिक्किम एंड स्टेट फ्लावर ऑफ नागालैंड. ठीक है, तो रोडोडेंड्रॉन एक ट्री है जिसके ऊपर फ्लावर्स उगते हैं. तो वो जो ट्री है वो स्टेट ट्री है सिक्किम का और फ्लावर है वो स्टेट फ्लावर है नागालैंड का. ठीक है, चलो ये खड़े हो जाओ. ग्रीन खड़े हो जाओ. बताओ स्टेट फ्लावर ऑफ नागालैंड क्यों? भी अंदर नहीं देखना है, सिर्फ बोलो स्टेट ट्री ऑफ सिक्किम. आई कैन आस्क एनीवन. जब मैं पढ़ा रही थी ध्यान कहाँ था आपका? हाँ, मैंने बोला अभी. कीप स्टैंडिंग, वेरी बैड. कौन बताएगा रोडोडेंड्रॉन क्या है? बोलो सुपन. किसका? नो बोलो. हाँ नो, सिक्किम का स्टेट ट्री है और फ्लावर है नागालैंड का. इसीलिए कहती हूँ ध्यान से सुनो. रोडोडेंड्रॉन इज स्टेट ट्री ऑफ सिक्किम एंड स्टेट फ्लावर ऑफ नागालैंड. अंडरस्टूड? अब इसकी खासियत क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम. 8 वाला देखो. फ्लावर्स यूज टू मेक स्क्वैशेस एंड जैम्स. पता है आपको फ्लावर, ये फ्लावर जो है
रोडोडेंड्रॉन, इससे जाम बनता है। क्या बनता है? जाम, जो ब्रेड पे लगा के खाते हो ना आप जाम, दैट इज फ्रूट जाम, राइट। बट वहां पे सिक्किम और नागालैंड में इस फ्लावर का जाम बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है वो, ठीक है, और बेचते हैं। यानी कि ये पहला ऐसा फ्लावर है जिसको स्क्वैश करके, मतलब ऐसे स्क्वीज करना पड़ेगा ना ऐसे, फिर उसमें जाम बनाते हैं और अच्छे से खाते हैं। डोंट नीड टू टॉक, क्या रहे वहां पे, क्यों खड़े हो गए आप, बैठ जाओ। नाउ नंबर 10, पेरिस लंगूर। पेरिस लंगूर इज स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा। कहाँ पे पाया जाता है ये? त्रिपुरा में पाया जाता है, ठीक है। वो नो, बैठ जाओ। स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा और इसका डिस्क्रिप्शन है नंबर 11। आपको रोमन नंबर्स आते हैं ना, ये सारे रोमन नंबर्स है। कौन बता रहा मुझे ये क्या है? हाँ गुड। और ये बिल्कुल नहीं जा सकते, बुक लेकर आओ फिर जाना। अ स्पीसीज कॉल्ड लुटुंग, ठीक है। तो इस एनिमल, ये बंदर जो है, इसको पहले क्या बोलते थे? लुटुंग बोलते थे। क्या बोलते थे? लुटुंग। फिर इसका नाम चेंज करके पेरिस लंगूर रख दिया, ठीक है। जैसे आपके भी किसी किसी के दो नेम होते हैं ना, किसी किसी का पेट नेम होता है गुड्डू, क्या नाम है, बहुत मस्ती करते हो आप, बिल्कुल नहीं। आई विल लुक एट योर बिहेवियर देन आई विल अलाउ यू अनलेस आई कैन नॉट। चलो यहाँ से वन बाय वन बॉटल्स लेना चालू करो, वन बाय वन। आप क्यों खड़े हो गए? आपको बोला मैंने, बोला आपको तो फर्स्ट टू गो देन यू विल गो आफ्टर द कप देन यू विल गो आफ्टर द कप विद डिसिप्लिन। शट अप। नाउ क्या डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे? यस कमिंग। अ स्पीशीज कॉल्ड लंगूर। अब शिरोई लिली, शिरोई लिली का नाम सुना है आपने? ओके, शिरोई लिली, जे देखो स्टेट फ्लावर है मणिपुर का, ठीक है। का स्टेट फ्लावर है मणिपुर का स्टेट फ्लावर है। और इसका डिस्क्रिप्शन है 10, अ पोस्टल स्टैम्प वॉज इश्यूड बाय इंडियन डिपार्टमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट टू कॉमेमोरेट दिस फ्लावर। तो इस फ्लावर का एक पोस्ट कार्ड छपा है, प्लीज सिट डाउन। हाँ साइलेंस प्लीज, सिट डाउन। कहाँ गए थे आप? Pack your bags, all of you. No, sit down. No one will go for washroom. अभी थोड़ी देर में घर ही जाना है आप लोगों को। Pin drop silence. Don't touch my bag. Idiots.
ओके सो इसका डिस्क्रिप्शन है कि एक पोस्टल स्टैम्प छपा है, ठीक है, शिरोय लीडी का एक पोस्टल स्टैम्प। आपने ये नरेंद्र मोदी का लिखा था ना चिट्ठी, उसके ऊपर एक स्टैम्प देखा था पीछे की तरफ जहाँ पे आपको एड्रेस लिखा था, तो वैसे अलग अलग टाइप्स के पोस्टल स्टैम्प होते, तो शिरोय लीडी का एक पोस्टल स्टैम्प छपा है इसको डेडिकेट करने के लिए मणिपुर को, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये भी इंडिया में ही उगता है और कहीं नहीं उगता है, ठीक है। नंबर 12 नागेश्वर ट्री, कौन सा ट्री? नागेश्वर ट्री। चलो ये पूरी रो ने ले लिया, अब ये स्टार्ट करो वन बाय वन नॉट टुगेदर। सो नागेश्वर ट्री एल, एल देखो स्टेट ट्री ऑफ त्रिपुरा, कौन सा स्टेट ट्री है? त्रिपुरा। त्रिपुरा का स्टेट ट्री है नागेश्वर ट्री, कमेंट, ठीक है, कमेंट। और ये बहुत ही फेमस ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, इसका शेप है ना स्नेक जैसा, इसीलिए इसे नागेश्वर ट्री बोलते हैं। ओके, द वुड ऑफ दिस ट्री इज वेरी हैवी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, इसका जो वुड होता है बहुत ही हैवी होता है, कोई उठा नहीं पाए इतना हैवी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। कमिंग, नो, बहुत हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और ये ट्री बहुत ही बड़ा होता है, अंडरस्टूड? सो नागेश्वर ट्री स्टेट ट्री ऑफ, लास्ट बेंच गर्ल खड़ी हो जाओ, नागेश्वर ट्री स्टेट ट्री ऑफ, कौन से स्टेट का ट्री है नागेश्वर ट्री? हाँ आ जाओ बाहर, बाहर आ जाओ, आप बताओ कौन सा है नागेश्वर ट्री, कौन से स्टेट का ट्री है? इंडिया स्टेट है, कंट्री है, कौन से स्टेट का ट्री है नागेश्वर ट्री? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नागेश्वर ट्री इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिग एंड हार्ड ट्री, अंडरस्टूड? एंड सबका ध्यान इधर ही है ना, बॉटल्स ले आइए लो, जाओ उसके बाद आप दोनों जाना, ठीक है, और अंदर आने में वापस अच्छे से बैग पैक कर लिया सभी ने? बुक्स रख दी यहाँ पे? ओके, जो भी बुक्स नहीं लाया है, जो भी बुक्स नहीं लाया है वो नेक्स्ट क्लास में दे देगा मुझे, ठीक है, कंप्लीट करके। स्टेट ट्री ऑफ त्रिपुरा, नागेश्वर ट्री स्टेट ट्री ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरा, त्री त है त्रिपुरा, त्रिपुरा मेघालय साइड ही आया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड आया है। ओके, क्या
अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस।